हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्नीशन तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉर्डिंग जो सोशल केस वर्क में रिकॉर्डिंग होती है उसका मतलब क्या होता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है क्या क्या पर्पस है रिकॉर्डिंग का और जो टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग है बेसिकली तीन तरह की रिकॉर्डिंग होती है प्रोसेस रिकॉर्डिंग समरी रिकॉर्डिंग और प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग तो इन तीनों तरह की रिकॉर्डिंग को समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है इन रिकॉर्डिंग्स में और क्या सिग्निफिकेंस है तो ये जो टॉपिक है रिकॉर्डिंग और टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग ये आपका यूजीसी नेट सोशल वर्क की यूनिट थर्ड में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्कस करते हैं कि टाइप रिकॉर्डिंग होता क्या है तो देखिए सोशल केस वर्क कर जब क्लाइंट से डिस्कस करता है उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करता है उसके साथ इंटरवेंशन करता है उसकी सोशल फंक्शनिंग को एनहांस करता है है ना तो जब उसके साथ इंटरवेंशन करते हैं जब सोशल केस वर्कर्स तो उसको रिकॉर्ड करना होता है या तो हार्ड कॉपी में हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन या फिर सॉफ्ट कॉपी में हो सकता है तो उसी को हम उस प्रोसेस को हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं अब ये रिकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है उस केस उस सारी इंटरवेंशन को लिखना क्यों ज़रूरी है तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका देखिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सोशल वर्क एक्टिविटी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस सर्विस की एक कंटिन्यूटी आप देख लेंगे रिकॉर्डिंग देख के आपको समझ में आ जाएगा कहाँ तक काम किया गया है और कहाँ से स्टार्ट करना है है ना क्वालिटी को कंट्रोल करना आप देख के रिकॉर्डिंग को पूरा आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के बता सकते हैं किस क्वालिटी का काम हुआ है, है ना तो आप सुपरवाइज़र को बता सकते हैं कि ये ये काम किया है तो वो भी आपको और आ, आपका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है फिर स्टेटिस्टिकल रिपोर्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग द वर्कर्स थॉट हाँ थॉट्स वर्कर्स के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब आप रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज़ को तो आपको समझ में आता है कि क्या काम किया है किस क्वालिटी का काम किया है तो आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आगे किस तरह से प्लान करना है वो आप समझ सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को पढ़ के फिर इंटर डिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन अब वो जो रिकॉर्ड किया है जो डॉक्यूमेंटेशन किया है अगर क्लाइंट किसी और डिसिप्लिन में जाता है मदद लेने तो वो रिकॉर्डिंग वहाँ काम आ सकती है उस क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन या उसके साथ क्या इंटरवेंशन किए गए हैं वो समझने में ना? तीसरा टीचिंग एंड रिसर्च अब आप कोई नया केस डील कर रहे हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उस पर रिसर्च की जा सकती है या फिर जो नए सोशल वर्कर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए टीचिंग में भी वो रिकॉर्डिंग काम आ सकती है है ना और एक थेराप्यूटिक टूल के रूप में भी काम आता है और आगे चलते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स रिकॉर्डिंग के होते हैं तो पहला हमारा है प्रोसेस रिकॉर्डिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग नाम से समझ में आ रहा है कि पूरी प्रोसेस को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो ये बहुत डिटेल्ड होता है इट इज़ हाईली डिटेल्ड पूरी प्रोसेस को एक एक पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट रिकॉर्डिंग किया जाता है अब इसमें सोशल वर्कर्स की जो फीलिंग्स और थाट्स है क्या सोशल वर्कर सोचता है क्लाइंट के बारे में वो भी इंक्लूडेड होता है ना तीसरा पॉइंट कि डिपेंड्स ऑन सोशल वर्कर्स एबिलिटी टू रिकॉल एग्जैक्टली वॉट हैपन इन वट ऑर्डर तो ये किस पर डिपेंड करता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग कि सोशल वर्कर की एबिलिटी है कि नहीं उसको रिकॉल करने की क्या क्या उसने किया है किस ऑर्डर में जो इंटरवेंशन किए हैं क्लाइंट के साथ उसको किस हद तक वो रिकॉल कर पाता है उस पर डिपेंड करता है कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग कैसी होगी है ना एंड ऑल्सो टू लुक एट द फैक्ट्स इन ऑब्जेक्टिव मैनर है तो जो भी फैक्ट्स है जो भी इंफॉर्मेशन है क्लाइंट के बारे में तो उसको एक ऑब्जेक्टिव मैनर में देखना ऑब्जेक्ट की तरह देखना उस पर भी डिपेंड करता है कि वो देख पा रहा है कि नहीं अब जो चौथा पॉइंट है यूजफुल वेन सोशल वर्कर इज डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन डिफिकल्ट सिचुएशन और वेन ही इज़ डेवलपिंग न्यू स्किल्स तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग जब नए सोशल वर्कर्स होते हैं तो वो क्या है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्किल्स सीख रहे हैं नई अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं तो उनके लिए रिकॉर्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो अपनी रिकॉर्डिंग पढ़ें और समझ में आए उनको कि क्या गलतियाँ हुई हैं और आगे जब वो केस को डील करें तो उसमें उन गलतियों को रिपीट ना करें और नई स्किल्स भी डेवलप होती है रिकॉर्डिंग करने के बाद वो अपनी खुद की नई स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इस स्किल्स की ज़रूरत है नई स्किल्स की क्लाइंट के साथ डील करने में ठीक है तो ये था प्रोसेस रिकॉर्डिंग जहाँ सोशल वर्कर की फीलिंग्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है और बहुत डिटेल्ड होता है ये दूसरा समरी रिकॉर्डिंग अब यहां पे शॉर्ट समरी होगी समरी का मतलब होता है कि बहुत छोटे से छोटे फॉर्म में उसको ब्रीफली लिखा जाए तो एक इट इंक्लूड्स ओनली शॉर्ट समरी ऑफ द सर्विस प्रोसेस अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है एंट्री डाटा कि जो क्लाइंट है वो केस वर्कर के पास कैसे आया कैसे एंटर हुआ वो लिखेंगे सोशल हिस्ट्री क्या है उसकी फैमिली बैकग्राउंड और जो एनवायरमेंट है उसका उस हिस्ट्री को लिखेंगे क्लाइंट की फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या प्लान बनाया सोशल वर्कर ने फिर पीरियोडिक समरी ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अब इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसका एक पीरियोडिक हिस्ट्री लिखनी होगी फिर एक्शन टेकन बाय द सोशल वर्कर क्या एक्शन लिया गया है ना एंड एट एट लास्ट क्या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज एकम्प्लिस्ड एज द केस गेट्स क्लोज तो उसके बाद लास्ट में लिखेंगे कि क्या क्या कंप्लीट किया सोशल वर्कर ने क्लाइंट के साथ क्या क्या इंटरवेंशन किया और उससे क्या क्या चेंजेस आए तो केस क्लोज करने के बाद क्या क्या चेंजेस है वो सारी चीजें लिख के उस फाइल को क्लोज कर देंगे अब इट फोकस ऑन वॉट हैपन विद द क्लाइंट अब देखिए यहां जो फोकस है वो कहां है क्लाइंट के ऊपर फोकस है और जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग था उसमें क्या है वर्कर्स की जो फीलिंग्स और थॉट्स है उसको भी लिखा जा रहा था तो यहां सिर्फ फोकस क्लाइंट के ऊपर है अब जो चौथा पॉइंट है इट इज़ इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म सिचुएशंस वेयर मोर देन वन सोशल वर्कर इज़ इन्वॉल्व एज इट प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ वॉट हैपन विद द क्लाइंट अब देखिए यहाँ फोकस जो था क्लाइंट पे था उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें लिखी जा रही है तो जब लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन्वॉल्व होती है जब लॉन्ग टर्म क्लाइंट और सोशल वर्क अलग अलग सोशल वर्कर जब एक ही क्लाइंट से लॉन्ग टर्म के लिए डील करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास एक क्लाइंट की समरी लिखी हुई है तो जो एक सोशल वर्कर अगर चले भी गया मान लीजिए किसी एजेंसी से उसने छोड़ दिया क्विट कर दिया तो नए जो सोशल वर्कर है नए जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो भी उस पूरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हिस्ट्री को समझ सकते हैं और समरी रिकॉर्डिंग को पढ़ के तो ये क्या कब काम आता है जब लॉन्ग टर्म जो पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल वर्कर और क्लाइंट के बीच में तब ये काम आता है जब मोर देन वन सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं जो तीसरी टाइप की रिपोर्टिंग है वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग अब ये कब यूज़ होती है ये इंटर डिसिप्लिनरी सेटिंग में यूज़ होती है देखिए अगर कोई क्लाइंट है वो एक से ज़्यादा सेटिंग्स एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी सेटिंग्स में जा के मदद ले रहा है ना एक तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है दूसरा मेडिकल हेल्प ले रहा है यानी कि हॉस्पिटल में जा रहा है तो दो जगह वो जाकर मदद ले रहा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग की जाए उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाए ताकि दोनों जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उस क्लाइंट के साथ वो समझ पाए कि क्या प्रॉब्लम है इस क्लाइंट को और उसकी हिस्ट्री क्या है तो इसके जो टोटल है चार पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट लाइक एज सेक्स मेरिटल स्टेटस फंक्शनिंग लिमिटेशंस फाइनेंशियल सिचुएशन तो इसमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होगी पहले पार्ट में दूसरा पार्ट में क्या है कि जो प्रॉब्लम लिस्ट है मतलब जो क्लाइंट क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है सोशल वर्कर को आके कि ये ये प्रॉब्लम्स है और जो सोशल वर्कर है जब उसने एसेस किया तो वो उसको क्या लगता है कि प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट के साथ तो दोनों दोनों की प्रॉब्लम्स उसमें लिखी जाती है पूरी लिस्ट के हाँ ये ये प्रॉब्लम लिस्ट है और उसके बाद तीसरा तीसरे जो पार्ट में हम क्या लिखेंगे प्लान्स एंड गोल्स रिलेटेड टू ईच आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम तो जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है असेसमेंट में सोशल वर्कर ने और जो भी प्रॉब्लम्स बताई है क्लाइंट ने उसके लिए क्या क्या प्लान्स हैं क्या क्या गोल सेट किए हैं सोशल वर्कर ने और जो क्लाइंट है उसने खुद ने है ना क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सोशल केस वर्क का तो उसने क्या गोल सेट किए हैं और सोशल वर्कर ने क्या प्लान किया है उन गोल्स को फुलफिल करने का वो लिखा जाएगा चौथा जो पॉइंट है फॉलो अप नोट्स अबाउट वॉट वॉज डन क्या किया गया क्लाइंट के साथ है ना क्या क्या इंटरवेंशन किए गए और उसका आउटकम क्या हुआ क्या चेंज हुआ तो देखिए फॉलो अप नोट्स बनाने होते हैं चौथे जो पार्ट में वो फॉलो अप नोट्स बनाए जाएंगे ठीक है तो ये तीन तरह की रिकॉर्डिंग होती है बेसिकली और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ये समझना यू जी सी नेट में यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस होते हैं ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू ऑल द बेस्ट